हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको टॉप 10 मोस्ट रनिंग गेम्स बताने वाला हूँ लास्ट ईयर यानी 2022 के। जब मैं गूगल पे इससे रिलेटेड आर्टिकल पढ़ रहा था तब मैं खुद शॉक हो गया था लिस्ट देख के, क्योंकि 2022 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली की लिस्ट में पबजी नंबर 1 पे नहीं था, जबकि गैरिना फ्री फायर तो टॉप 10 के लिस्ट में भी नहीं आता। तो वो कौन से गेम्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाई करी और पहले नंबर पे कौन सा गेम आता है, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और इनमें से कौन सा गेम आपने खेला ये कमेंट्स में जरूर बताना। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लिस्ट में नंबर 10 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है मॉन्स्टर स्ट्राइक। शायद आपने इस गेम के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन ये जापान, चाइना, हांगकांग में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गेम है। ये एक जापानी रोल प्लेइंग एक्शन गेम है जहां अपने एनिमीज पर अपने मॉन्स्टर को स्क्रीन पे फेंक कर उछाल कर उन्हें डिस्ट्रॉय करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, गेम के ग्राफिक्स डिसेंट है, फिर भी इसने क्लैश ऑफ क्लैन जैसे गेम से भी ज्यादा कमाई की है। मॉन्स्टर स्ट्राइक ने 2022 में $589 मिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसी के साथ नंबर 9 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है फैंटेसी वेस्टवर्ड जर्नी। नेटिस द्वारा डेवलप ये एक MMORPG गेम है जो कि विंडोज पर 2001 में रिलीज हुआ था, लेकिन ये गेम चाइना में ऑनलाइन पॉपुलर मई 2007 में हुआ था जब गेम के 1.5 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हो गए थे। अगर गेम की बात करूं तो एक 3D ओपन वर्ल्ड MMORPG ऑनलाइन गेम है जहां आप अपने एनिमी से फाइट कर पाएंगे, मिशंस कंप्लीट कर पाएंगे अपने फ्रेंड के साथ। अगर गेम की अर्निंग की बात करूं तो गेम ने 2022 में $600 मिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पर पोकेमॉन गो। पोकेमॉन गो को कौन नहीं जानता। पोकेमॉन गो जो जुलाई 2016 में रिलीज हुआ था और रिलीज होती अचानक से बेस्ट एंड्रॉइड गेम बन गया था, और इतना ही नहीं गेम ने कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे। गेम ने 2021 में $1.6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि गेम ने 2022 में सिर्फ $700 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। वही गेम 2021 में पांचवें नंबर पर था मोस्ट रनिंग गेम्स की लिस्ट में, जो कि 2022 में आठवें नंबर पर आ गया है। आप में से कितने लोग अभी भी पोकेमॉन को खेलते हो कमेंट जरूर करना, और ऐसे गेमिंग रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी है जिसमें मैंने टॉप 10 बेस्ट ज़ॉम्बी गेम्स के बारे में बताया है। इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नंबर 7 पर रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम। ये एक रियल टाइम स्ट्रेटेजी ऑनलाइन गेम है जो कि सिर्फ 10 कंट्रीज में रिलीज हुआ है। 10 कंट्री में रिलीज होने के बावजूद भी गेम ने 2022 में $730 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। गाइस, इसी के साथ लिस्ट में नंबर 6 पे जो गेम आता है उस गेम का नाम है कॉइन मास्टर। कॉइन मास्टर गेम के बारे में पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इस गेम की अर्निंग देखी तब मैं खुद शॉक हो गया था। गाइस, कॉइन मास्टर एक बहुत ही पॉपुलर एंड्रॉइड गेम है जिसके 100 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स है। अगर गेम की बात करूं तो गेम में आप दूसरे के विलेज पे अटैक और रेड करते हैं और अपना खुद का विलेज बिल्ड करते हैं। अगर गेम की अर्निंग की बात करूं तो गेम ने 2022 में $820 मिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे जो गेम आता है उस गेम का भी रेवेन्यू पोकेमॉन गो की तरह 2022 में $100 मिलियन कम हुआ है। उस गेम का नाम है रोब्लॉक्स। रेवेन्यू बताने से पहले मैं आपको गेम के बारे में बता देता हूँ। रोब्लॉक्स एक पॉपुलर गेम है मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में, जिसके 6 मिलियन से भी ज्यादा डेली एक्टिव ऑनलाइन प्लेयर्स हैं और जिसके प्ले स्टोर पर ही 500 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो रोब्लॉक्स ने 2022 में $861 मिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। इसी के साथ नंबर 4 पे कैंडी क्रश सागा। कैंडी क्रश सागा गेम के बारे में बताने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इस गेम के बारे में पहले से ही जानते हैं। आपने कभी ना कभी तो इस गेम को खेला ही होगा या फिर घर में किसी को तो इसे खेलते हुए देखा ही होगा, इसलिए अभी तक प्ले स्टोर पे सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला गेम है। वही गेम के रेवेन्यू की बात करूं तो गेम ने 2022 में $1 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसी के साथ हम आ चुके हैं लिस्ट के तीसरे नंबर गेम की तरफ, जो कि है गेंशिन इंपैक्ट। गेंशिन इंपैक्ट 2020 में रिलीज हुआ एक एक्शन रोल प्लेइंग ओपन वर्ल्ड एनिमे स्टाइल गेम है जिसने 2022 में $1.5 मिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिसमें चाइना ने सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। वही चाइना ने टोटल $1.5 मिलियन में $790 मिलियन से भी ज्यादा का कॉन्ट्रीब्यूट किया है। इससे पता चलता है कि गेम चाइना में कितना पॉपुलर है। वही नंबर 2 पे जो गेम आता है उस गेम के बारे में तो आपने पहले से गेस कर लिया होगा। जी नंबर 2 पर है पबजी मोबाइल। पबजी मोबाइल को शायद ही कोई नहीं जानता होगा, फिर भी जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि पबजी मोबाइल एक फ्री टू प्ले बैटल रॉयल वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया है टेंसेंट गेम्स ने। टेंसेंट एक चाइनीज कंपनी है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल को इंडिया में बैन कर दिया था। गेम ने 2022 में $1.7 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसी के साथ लास्ट गेम यानी नंबर 1 गेम जिसने पबजी से भी ज्यादा अर्निंग की है लास्ट ईयर में, उस गेम का नाम है ऑनर ऑफ किंग। अगर आपको गेम के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि ये 5v5 मोबा गेम है जिसे भी पब्लिश टेंसेंट ने किया है एंड्रॉइड और iOS के लिए, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाला मोबा गेम है जिसने लास्ट ईयर यानी 2022 में $2.2 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया था। तो गाइस, ये थे 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली गेम्स। अगर आपको कोई सजेशंस देनी है तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। और अगर आप चाहो तो ऐसे गेमिंग रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।